अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। Goes again. Afidi makes room. Goes up in the air. Has it connected? कश्मीरी तलबा हौसला रखें, पाकिस्तान आपके साथ है। भारत की तरफ से गद्दार करार दिए गए कश्मीरी तलबा को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में दाखिला देने को तैयार हैं दफ्तर खारजा। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। 67 कश्मीरी तलबा पर पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाने पर बगावत के मुकदमात बना दिए गए। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। तालिबान के साथ मुजाकराती अमल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की नई मुजाकराती टीम वजीरिस्तान में तालिबान कयादत से बराह रास्त मुजाकरात करेगी। कबायली अमायदीन और पॉलिटिकल इंतजामिया भी शामिल होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ लीगी धड़ों को मुतहद करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। कहते हैं पाकिस्तान का अमन कराची के अमन से मुंसलिक है, मुल्की सलामती के लिए हर कदम उठाया जाएगा। लाहौर में एमकेएम को 9 मार्च को रैली निकालने की इजाजत न मिली। फैसल सब्जवारी कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजहती कॉन्फ्रेंस करेंगे। थरपारकर में शदीद कहत साली, हर तरफ भूख का रक्स। गजाई किल्लत के बायस एक महीने में 32 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध हुकूमत के कान पर जून तक न रेंगी। लाहौर में मां ने अपने ही दो बच्चे क्यों कत्ल किए, पुलिस वजह तलाश ना कर सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वालदेन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शायकीन इंजरी से ना हो परेशान, बूम बूम आफरीदी ने कर दिया है एशिया कप के फाइनल में धूम मचाने का ऐलान। शाहरुख कोई ऐसा वैसा बकरा नहीं है, स्पेशल है। ये शाहरुख है ना, कितना प्यारा है। अगर आपको और सच जाना है तो सिरोही के जानवर अस्पताल में पता करवा लीजिए कि शाहरुख की रगों में किसका खून दौड़ रहा है। और शरारतों से भरपूर बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ये है बकरापुर का ट्रेलर जारी।